नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत लखीमपुर खीरी की खबर के साथ। लखीमपुर में लगातार अवैध माफियाओं की संपत्ति को कुर्क करती हुई योगी सरकार नजर आ रही है। इसी कड़ी में एक माफिया की संपत्ति को अब योगी सरकार ने कुर्क किया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन पर अपराध की रोकथाम को लेकर लगातार शातिर अपराधियों की संपत्ति जब्त करने पर कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर लखीमपुर खीरी जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के दिशा निर्देश पर जिले में भी अपराध की रोकथाम को लेकर गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में बीते सोमवार को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने कस्बा खीरी के मोहल्ला सैयदवाड़ा निवासी गैंगस्टर एक्ट के शातिर अपराधी शकील अहमद की 14 एकड़ के तहत 2,07,50,000 की संपत्ति कुर्क की है। महोबा में सहकार भारती बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। जिला महोबा में सहकार भारती की अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सहकार भारती की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम में सहकार भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह समेत प्रदेश के बड़े नेता बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। जिला कार्यकारिणी की घोषणा के दौरान जिला अध्यक्ष धनेन्द्र दीक्षित को शपथ दिलाकर महत्वपूर्ण दायित्व की जिम्मेदारी दी गई। इसी के साथ जिला महामंत्री, जिला संगठन मंत्री प्रशांत कुमार गुप्ता समेत अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भी को जिम्मेदारियां सौंपी गई। आज सहकार भारती जनरल बैठक देने की नवीन दायित्वधारी कार्यकर्ता की घोषणा हुई है। आगामी आने वाले समय पर सहकार भारती की संस्था अभियान प्रारंभ होने वाला है। उस संदर्भ में पूरा कार्यक्रम बैठक औरैया में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। दरअसल रोडवेज बस की अज्ञात वाहन के साथ टक्कर हो गई। इस हादसे में 26 लोग घायल हो गए हैं। औरैया के एकर कटरा थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यमुना एक्सप्रेस पर रोडवेज बस और अज्ञात वाहन की टक्कर हो गई, जिसमें रोडवेज बस में 56 यात्री सवार थे, जिसमें से 26 यात्री घायल हो गए। इसमें से 7 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मिनी PGI रेफर कर दिया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बलरामपुर में रिश्तों को शर्मसार करता हुआ एक मामला सामने आया, जिसने रिश्तों को पूरी तरह से तार तार कर दिया। दरअसल एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। जिला बलरामपुर के उतरौला तहसील में उस वक्त हड़कंप मच गया। थाना रेहरा बाजार ग्राम सभा बंजरिया हुसैन के एक युवक ने सुबह करीब 7:30 बजे बड़े भाई की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक आफ्ताब पुत्र कासिम का छोटा भाई इम्तियाज अली, जो नशा करता है। ग्रामवासियों के मुताबिक मानसिक रूप से वो विक्षिप्त था, जिसने अपने बड़े भाई आफ्ताब को धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्यारोपी ने अपने मृतक भाई के छोटे और मासूम बेटे को भी अपना निशाना बना डाला, लेकिन बीच बचाव के कारण मासूम को परिजनों ने बचा लिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या आरोपी को हिरासत में ले लिया और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बाराबंकी में गैस लीक होने से आग लग गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जिस तरीके से आग लगी, घटना बेहद दर्दनाक थी। नगर पंचायत रामनगर में मोहल्ला धमेड़ी 3 के निवासी अश्विनी तिवारी की बेटी सवैया तिवारी की शादी 21 तारीख को थी और बीते सोमवार को विवाह संबंधित परंपराएं निभाई जा रही थी। उसी बीच मंडप के नीचे पंडित पूजन कार्य कर रहे थे, उसी वक्त अचानक घरेलू गैस सिलेंडर के लीकेज होने के कारण आग लग गई। इस घटना के बाद मंडप जलकर राख हो गया और पूजन में शामिल रिश्तेदार और पड़ोसी भी आग की चपेट में आ गए, जिसमें कि लोग बुरी तरह झुलस गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। शोर शराबे की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और किसी तरह आग पर काबू पा लिया। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार उन्हें दिया जा रहा है। गैस लीक हो गई और दिया हुआ जला रहे थे, बस उस जगह लग गए। क्या कार्यक्रम था? क्या कार्यक्रम हो रहा था? शादी थी। शादी थी। आज क्या कार्यक्रम था? आज था तेल मैन। तो कितने लोग वहाँ थे? करीब 15 से 20। तो कितने लोग घायल हैं? समथिंग 15 लोग। तो ये काबू कैसे पाए? जो आग लगी थी कैसे बुझी? बुझी क्या, सब लोग पानी और बालू वालू वगैरह डाले तब बुझी। फोन मिला, फोन लगी नहीं रहा था। बरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार और ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में कुछ लोगों की मौत होने की बात भी सामने आ रही है। बरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के लालपुर चौराहे के पास ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सभी मृतक उत्तराखंड के बताए जा रहे, जो रामनगर से हरदोई जा रहे थे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रामनगर से जा रहे थे जी, बिलग्राम जी, बिलग्राम शरीफ जा रहे थे। दो गाड़ियाँ थी हम लोगों के पास, एक जो जिसमें एक्सीडेंट हुआ, ये हमसे आगे थी जी, ये हमसे आगे आगे चल रहे थे और जो है इनकी गाड़ी का टायर फटा, जिससे टायर फटने से ये दूसरी साइड पहुंच गए। और ये रास्ता वहीं का है जहाँ डिवाइडर में बिल्कुल जाना। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बस अपना कंट्रोल खो गई, जिस वजह से वो पलट गई। इसमें कई 20 यात्री सवार थे। लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र में पलिया भीरा मार्ग के पास एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कि 20 लोग सवार थे। घटना की सूचना पाते ही आनन फानन में मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को बस से निकलवाकर पलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ पर सभी घायलों का इलाज जारी है। हम तो आज लखनऊ से मैलानी सीट में बैठे हैं। हाँ। इसका ड्राइवर जैसे लग रहा था नशा में था। हाँ। और बहुत उठंग बोल रहा था कहने पे, और उसके बाद फिर हम कहे कि भाई जरा हिसाब से चलाओ बस, और यहाँ लाया बस से एक यहाँ से 1 किलोमीटर पहले अतरिया के पास अचानक बस पलट गई एकदम। जो दारू पिए था ड्राइवर, क्या नशे में था वो लग रहा था। आजमगढ़ से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जिसकी चपेट में आकर 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यूपी के जिला आजमगढ़ में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ के तहबुरपुर थाना इलाके के इसरपार खास गांव में सोमवार की रात एक परिवार में शादी की सालगिरह मनाई जा रही थी। घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। इस दौरान एक बेकाबू पिकअप ने आधा दर्जन लोगों को रौंद डाला, जिससे कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है, और पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। यहां शादी की सालगिरह मनाई जा रही है जी। किनके यहां? राम समुज के जी। पिकअप यही खड़ी थी जी, लोग खा पी के अपना बैठे थे जी। पिकअप एक बैग स्टार्ट किया जी और चढ़ाते हुए चला गया। इसमें कितने लोगों की मौत है? 3 लोग की मौत हो गई है जी। कितने घायल हैं? 3 लोग घायल हैं। बुलेटिन के आखिर में बात आगरा की। आगरा में 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद देखने को मिला। इस दौरान ईंट पत्थर से लेकर लाठी डंडे सब चलाए गए।
आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के आजम पारा रास्ते में दो पक्षों का मामूली बात को लेकर विवाद देखने को मिला, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले, जिससे कि गली में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले को किसी तरह शांत कराया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस ने बताया कि मामला दो समुदाय का नहीं बल्कि दो परिवार के बीच का विवाद था और पुलिस मामले की जाँच में फिलहाल जुटी है। थाना सागन क्षेत्र में आजमपाड़ा है और आजमपाड़ा में एक 3 फीट की गली है जिसमें लोग रहते हैं। उसमें कल एक व्यक्ति के यहाँ कुछ फंक्शन चल रहा था और कुछ मोटरसाइकिलें सड़क पर खड़ी हुई थी। दूसरा व्यक्ति अपनी बकरी के लिए चारा ले जा रहा था, उसमें निकलने को लेकर विवाद हुआ था और दोनों पक्षों में जो दो परिवार थे उनके बीच में मारपीट हुई थी और उसमें किसी शरारती तत्व द्वारा एक दो कंकड़ भी फेंक दिए गए थे। मैं भी तत्काल मौके पहुंचा था, बाकी अधिकारी मौके पहुंचे थे। कोई वहां शांति व्यवस्था की कोई बात नहीं थी। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है और दर्ज करने के उपरांत उसमें कार्रवाई की जा रही है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।